वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे प्रीत ब्रेंटी क्लास। टुडेज वी आर गोइंग टू क्लास 8 फ्रॉम एमएल अग्रवाल चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3.2 विथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हम यहां सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राइट फाइव नंबर्स, हमें फाइव नंबर्स राइट करना है विच यू कैन डिसाइड। आप डिसाइड कर सकते हैं बाई लुकिंग एट देयर वंस डिजिट। वंस डिजिट किसे बोलते हैं? जैसे ये सभी नंबर्स हैं तो इनके वंस डिजिट क्या हैं? जैसे 8, 7, 5। तो लुकिंग एट देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम उसे कैसे देख के बता सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें फाइव नंबर्स लिखने हैं? तो चलिए आपकी बुक के ही अकॉर्डिंग जो आपके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसे देखते हैं। तो आप आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 को पेज नंबर 49 के डाउन साइड। हम एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो इसके डाउन साइड आ जाइए। ये आपके कुछ स्क्वायर दिए हुए हैं नंबर्स के और थोड़ा सा डाउन साइड आप आ जाइए। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या लिखा है? अ नंबर हैविंग, ध्यान से देखिएगा, अ नंबर यानी कोई भी नंबर हो जिसके पास 2, 3, 7 या फिर 8 इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ स्क्वायर नंबर। अगर कोई नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? अब आपको चेक करना, देखिए याद रखिएगा 2, 3, 7, 8। अब इसमें आप ये आपका 1 से स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4, 11, यहाँ 21 कहाँ तक दिया, 30 तक। इनको आप चेक करिए क्या लास्ट में आपका 2, 3, 7, 8 है। चलिए देखिए 2, 2 चेक करिए, 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 नहीं है। नेक्स्ट में देखिए 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 नहीं है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 कोई नंबर मिला? नहीं मिला। मतलब याद रखिएगा कि लास्ट डिजिट में आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इस 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। अब इसके लास्ट में आप 2 लिख दीजिए ना, 3 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। सिंपल। चलिए इसका भी आंसर लिखते हैं। तो सॉल्यूशन राइट करने से पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्या प्रॉपर्टी था? अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 or 8 इट्स यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। यूनिट को वंस डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वंस प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको हमने प्रैक्टिकल भी दिखा दिया परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब आप बताएं कोई भी जो आप परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं उसका नाम बताएं। ठीक है, जैसे कि हमने जानते हैं 5, 5 या 25। चलिए 25 पर लिख लीजिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? है। देखिए अब 2, 3, 7, 8 है, इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ लिख दीजिए, कोई सभी। 7 लिख दें, 8 लिख दें, 8 लिख देते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर लिखा, उसके बैक साइड हमने 8 कर दिया। चलिए छोटा सा ले लीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ले लीजिए। 4 के बैक में इनमें से देखिए 4 स्क्वायर रूट होता है किसका? होता है 2 का। इनमें से कोई एक नंबर टेक करिए, उसके बैक साइड लिख दीजिए। 3 लिख दें, चलिए 3 राइट कर देते हैं, 1, 1, 1 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और बोलिए 7, 7 जब 49 होता है ना, 49 लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ पे बता रहे हैं आप वही लिखें, कुछ भी लिखिए आप। ठीक है, बस इनको लास्ट में आप कर दीजिए। हमने 8 एक बार कर दिया, एक बार 3, चलिए 7 कर देते हैं, और एक बार 1, 2, 3, 4 जो लिखना है आपको, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी लिखना है, बस लास्ट में आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। वैसे भी 8 ऑलरेडी था लास्ट में, तब पर ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो इसकी आइडेंटिटीज क्या हुई? ये फर्स्ट, ये और लास्ट भी, ये कभी भी मिले वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमें राइट कितना करना था? 5। तो 5 एक और राइट कर देते हैं। तो कुछ भी लिख लीजिए, 2, 4, 5, 7 और यहाँ पे ये ऑलरेडी 7 है। सिंपल।
सो कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और लिखना हो तो लिख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 121, ये 11 का है, इसके बैक में कोई भी एक लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप आंसर शीट से चेक करें, आंसर शीट में ये सब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी अपने से बताया विथ प्रैक्टिकल। तो चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन सेकेंड। नाउ सेकेंड नंबर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा 2, 3, 7, 8, इनको याद रखिएगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो इनमें आप चेक करिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 में फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप एलसीएम प्राइम फैक्टराइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, लेकिन यहाँ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं, क्योंकि हम ट्रिक से बताएंगे। देखिए लास्ट में 1 है तो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 2 है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले से एडवांस हम जान रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और 7 ये नहीं हो सकता, 8 है नहीं हो सकता, इनको हमें चेक करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो कभी नहीं होंगे, ये कभी नहीं हो सकते, ये कभी नहीं हो सकते, और 7 नहीं हो सकते, यानी सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ और 7 नंबर और 8 नंबर, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो चलिए राइट करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने में हमने थोड़ा सा गलती की, क्यों, क्योंकि हमने, चलिए कोई रॉन्ग हमने नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन कहने का कुछ और मीन्स था। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा। देखिए व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इन नंबरों का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर क्या होगा। तो सीधी बात है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। और अगर आपको स्क्वायर रूट चेक करना था, देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट चेक किए, क्या चेक किए कि स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ये नहीं हो सकते, नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्क्वायर करना है, ठीक है, किसका, सिर्फ यूनिट का। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का, 2 का, 9 का, 7, 3 का, और हमें सिर्फ ये बताना है यूनिट डिजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने राइट भी कर लिया, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए 951 में आपका यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 में आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये राइट करना है द यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यूनिट डिजिट में क्या है आपका, 1, ये आपका आंसर हुआ। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है 502, तो वंस डिजिट पे आप देखिए क्या है, 2 है, क्या है, 2। तो द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये आपका 4 आंसर है। याद रखिएगा यूनिट डिजिट ही आपको बताना है, अगर 2 डिजिट में आया तो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट ही बताने हैं। चलिए आगे मिलेगा ही, देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 329, तो द यूनिट डिजिट, डिजिट ऑफ द स्क्वायर, तो देखिए लास्ट में आपका क्या है, 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है ना, तो 81 आपको नहीं बताना है, यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर में 764 थी, लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, अब 9 के लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो आप यहाँ पे 9 करेंगे। नाउ फिफ्थ, चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो लास्ट में देखिए आपको 2 डिजिट नहीं बताना, सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो गया, 6। चलिए 6 नंबर देखते हैं, लास्ट में देखिए क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, लास्ट डिजिट देखिए क्या है 25 में, 5, तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए। 7 नंबर में देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर करिए, 7 जब 49, लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो यहाँ पे आप 9 फिट कर दीजिए, ओके। 8 नंबर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट क्या है 64 में, 4, तो ये आपका 4 हो गया। चलिए 9 नंबर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0, 0 का स्क्वायर अगर 0 2 टाइम्स करेंगे तो भी 0 होगा,
तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, जीरो। टेन नंबर देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, सिक्स। सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, 36। लास्ट डिजिट क्या है, सिक्स। ये आपका फाइनल कंप्लीट हुआ, क्लियर। द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर सिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन्हें हमें चेक करना है कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको रीजन भी देना है। तो चलिए, रीजन तो हमारे पास है कि 2, 3, 7, 8 अगर आ जाए लास्ट डिजिट में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए थर्ड में देखते हैं, 7 है बिल्कुल, तो 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फर्स्ट नहीं है। देखिए 2, 3 ये भी आ गया, 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ देखिए 8 है, ये भी नहीं है, और 2 है फिर से आ गया। तो 2, 3, 7, 8 यही तो आपको बताते आ रहे हैं। अब देखिए 0 की भी आपको स्टोरी बता दें। 0 की स्टोरी ये है कि अगर 0, 2 है, मतलब 2 कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर 2 का पेयर में है और आगे का नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर होता है मतलब स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि मान लीजिए आगे 5 का 25 आ जाए, 25 00, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर 3, 0 है, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर में है अगर 0, तो समझ जाइए परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता। तो ये आपका ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से आपके जो 5 नंबर्स हैं वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियर। चलिए तो अब इसे राइट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अ नंबर, जो हमारे पास थ्योरी थी इसकी प्रॉपर्टी, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8, क्लियर। एट इट्स यूनिट प्लेस, इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। सो फर्स्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 6, 7 में 7 आ गया। सेकंड में आपका 2, 4, 5, 3, 3 आ गया। थर्ड में 6, 2, 9, 8, 8 आ गया। और फोर्थ नंबर में 4, 6, 2, 9, 2, ये 2 आ गया। अगर हम इसे गौर से देखें तो 2, 3, 7, 8, तो 7 ये हो गया, 3 ये हो गया, 8 ये हो गया, और ये 2, मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सभी के सभी यूनिट डिजिट पे हैं। सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं 64,000, तो 64,000 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, अ नंबर, इसका हम अलग से राइट कर देते हैं, अ नंबर हैविंग लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस इन 0 ऑड नंबर क्या हो, अ नंबर हैविंग यूनिट प्लेस इन 0 ऑड नंबर, ठीक है, देन दैट नंबर, दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, या विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, भाई वो नंबर कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। सो 64,000, ये देखिए ऑड नंबर है, यहाँ पे कितने 0 हैं, 3, तो ये आपका क्या हो गया, ऑड नंबर, हुआ कि नहीं हुआ। सो 64,000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनमें से आप सभी नंबर का स्क्वायर करिए, ठीक है, स्क्वायर मतलब इसे 2 times मल्टीप्लाई करिए। नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर आर इवन नंबर्स, तो जब हम इसे सॉल्व करें तो जो नंबर आएगा वो क्या ऑड नंबर पे आएगा या इवन नंबर पे, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है उसका रीज़न बताएं। जैसे हम इसका स्क्वायर करें,
एक छोटा सा नंबर का स्क्वायर करते हैं, देख श्योर है कि ये बहुत बड़ा है तो हम स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़े आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि वो ऑड नंबर में आए इवन में आएगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, हम लेते हैं टू, क्या लेते हैं टू, टू का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, टू टू ज़ा फोर। तो ये बताइए टू क्या था, इवन था, अब क्या बन गया, तब पर भी इवन है। चलिए अब इसमें से हम थ्री कर देते हैं, थ्री का स्क्वायर करिए तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री थ्री जा नाइन। अब नाइन कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर ही आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर आता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि लास्ट नंबर ही बता देगा लास्ट डिजिट, ये क्या है थ्री, तो मतलब ये ऑड नंबर है, तो इसका आंसर ऑड नंबर आएगा ये। अब इसके लास्ट में देखिए सिक्स इवन नंबर, तो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए सेवन है लास्ट में, तो सेवन क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। लास्ट में देखिए सिक्स है, सिक्स क्या है, इवन नंबर, तो आंसर भी क्या आएगा, इवन नंबर। तो सिर्फ हमें यही तो शो करना है। तो हमने रिसर्च किया और आपको अगर प्रैक्टिकल देखना, देखिए सॉल्यूशन हम फोर नंबर कर रहे हैं ना, तो चलिए फोर का ही स्क्वायर करिए, फोर क्या है इवन, फोर फोर जा सिक्सटीन, आ क्या गया इवन ही आया। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, वी नो दैट या वी सी दैट भी आप राइट कर सकते हैं, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, भाई स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर यानी स्क्वायर ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, ऑड नंबर ही प्राप्त होता है, इट्स बिकम्स ऑड नंबर, क्लियर। एंड अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर इज इवन, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इवन, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सो 573 573, और देखिए इवन कहाँ, ये आपका ऑड नंबर, ये आपका ऑड नंबर, दो ऑड है दो इवन है, तो आप 573 लिख लीजिए एंड 9267, क्लियर। इसे हमने राइट कर लिया, अब यहाँ पे लिख दीजिए आर ऑड नंबर, सो एंड देयर स्क्वायर ऑफ विल बी ऑड नंबर, भाई इनका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही हमें फाइंड होगा। एंड 4096 ये देखिए, और सेकंड क्या है 57916, ये क्या है आर इवन नंबर, इवन नंबर, एंड देयर स्क्वायर विल बी इवन नंबर, सिंपल। भाई कहने का मीन्स है कि स्क्वायर का आप इवन का स्क्वायर करेंगे तो इसको इवन ही आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, और आपको प्रैक्टिकल देखना है तो ऑड ले लीजिए। चलिए यहाँ पे अगर इसका ऑड का प्रैक्टिकल देखना है तो कोई भी एक नंबर बोलिए जो ऑड हो, तो मान लीजिए हमने ले लिया 11, 11 ऑड नंबर है तो 11 के स्क्वायर करिए तो 121 होता है, देखिए ये भी ऑड आया। और अगर आप इवन को देखना है तो कोई और नंबर ले लीजिए, हमने ले लिया मान लीजिए ऑड नंबर में हम ले लेते हैं 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये क्या है ऑड है, तो ये भी ऑड है, सिंपल। इससे बेस्ट एग्जांपल भी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइ बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी दो नंबरों का स्क्वायर, अगर हमें 12 का स्क्वायर और यहाँ 13 का स्क्वायर, भाई हम यहाँ पे ऑलरेडी राइट है कि हाउ मेनी यानी कितने नेचुरल नंबर होंगे इनके स्क्वायर के बीच, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स होंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 क्या होता है 169, तो ये नहीं कि आप 144 से 169 तक के बीच नंबर लिख के काउंटिंग करें, इसका ट्रिक है, बुक के अकॉर्डिंग दिया है, चलिए उसे देखते हैं। तो आप देखिए 51 पेज, ठीक है 51 पेज में सबसे लास्ट में आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे दिया है
सेकंड नंबर में नंबर बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, एक बात याद रखिएगा वो अगर आप जो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 12 और 13, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था 12 और 13, तो देखिए 12 के बाद कॉन्सिक्यूटिव क्या होता 13, अगर 12 और 14 के बीच निकालेंगे तो ये रूल्स आपका फेल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव ऑलरेडी राइट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है ये आपका फार्मूला कि 3 और 4 के बीच आप निकालिए, तो कॉन्सिक्यूटिव है ना, 3 के बाद 4 ही आता है, 5 नहीं आता, तो अगर कॉन्सिक्यूटिव है तभी ये रूल्स अप्लाई होगा। तो 3 और 4 के बीच निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे पहले स्क्वायर करेंगे, बाद में स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा और ये आपका नंबर भी यहाँ पे दिखाया गया है काउंटिंग करके। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन किसके बीच, 12 स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13 हमें चेक करना है। तो देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, दोनों में ग्रेटेस्ट 13 है, अब भी हमने आपको बताया 13 के स्क्वायर कर लीजिए, उसके बैक में आगे वाले नंबर को कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा। अभी हमने बुक से आपको दिखाया, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का आपको स्क्वायर आप इसे टू टाइप से कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा। 13 देखिए 13 का स्क्वायर आपको जो पसंद है वो आप कर लीजिएगा, माइनस 1, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस 1, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 कैंसिल और ये माइनस 1, तो कितना आ गया आपका 24, यानी कितने नेचुरल नंबर निकल गए 24। आपको अगर ये तरीका पसंद है तो ठीक है, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो याद करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी आप ब्रैकेट बना लीजिए, 13 माइनस 12 कर लीजिए, एक में 13 प्लस 12 कर लीजिए और बाहर आपका माइनस 1 है, तो 13 माइनस 12 तो 1 हो गया, इंटू यहाँ पे है 13 12 25 माइनस 1, 25 1 25 माइनस 1 24, आपको जो पसंद है वो आप कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में है आपके पास 90 एंड 91, सेम करना है तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 90 एंड 91। अब देखिए दो हमने फार्मूला आपको क्यों बताया कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट है तो आप पता कर लेंगे, अब 91 का तो आप नहीं जानते ना, इसलिए आपको ये फार्मूला बेस्ट रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और जल्द से जल्द सॉल्व भी कर लेंगे, तो ये फार्मूला ही बेस्ट रहेगा। देखिए दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है, 91 स्क्वायर माइनस 90 और बगल में माइनस 1 कर दीजिए, अब नहीं आता फार्मूला, आप ब्रैकेट बनाइए ए प्लस बी और सॉरी ए माइनस बी और ये आपका ए प्लस बी माइनस 1, क्लियर, 91 माइनस 90 आपका क्या आ गया 1, 91 प्लस 90 तो 1 ये आ गया 9 9 18, ठीक है, और बगल में आपका माइनस 1, तो 181 इंटू 1 181 माइनस 1 तो आपका आ गया 180 नंबर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विथआउट एडिंग हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते, फाइंड द सम और इसे ऐड करना है। अब इन नंबरों को गौर से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है 1 3 5 7 9, ये क्या है ऑड नंबर, ये भी आपको 1 3 5 7 9, बस ये 15 के आगे यहाँ से और आगे तक कर दिया 29 तक। अब ये बताइए आपको ऐड करने के लिए क्या बोला गया, ऑड नंबर, लेकिन हम आपको पहले से ही बता देते हैं इसकी प्रॉपर्टी, हम बुक से नहीं दिखाएंगे, यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका 1 से स्टार्ट नहीं है तो ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा तो रूल्स नहीं लगेगा, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया।
ठीक है, 12 और 13, माफ़ कीजिएगा 35, 36 का हमने नहीं किया, 90 और 91 का किया। तो चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर दें, ये ICSE के स्टूडेंटों के लिए है और ICSE अगर आप रीड कर रहे हैं तो ये आपका ICSE के बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखें 35, 36, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है सेम प्रॉपर्टी। फर्स्ट देखिए 36 है, 36 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसके बाद 35 का स्क्वायर कर लीजिए और 1-1, फिर वही प्रॉपर्टी। अब श्योर है कि आपको 36 का तो स्क्वायर नहीं आता होगा, तो वही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो 36 माइनस 35 और 36 प्लस 35 माइनस 1, तो ये 36 माइनस 35 तो 1 हो गया, 6 5 11, 1 रिमाइंडर, 3 3 6 1 7, तो 71 1 जा 71, 1 माइनस करेंगे तो 70, कितने नंबर आ गए 70। चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी। हमने आपको क्या बताया था कि स्टार्ट 1 से ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आप सॉल्व आपका रॉन्ग होगा, याद रखिएगा। स्टार्टिंग कहाँ से हो, फ्रॉम 1 से, यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग 1 से। अगर ऐसा होता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा, जितना भी आपके पास ऑड नंबर है उसको काउंट कर लीजिए और उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 जा 64। अभी हम इवन का भी बताएंगे, जो आपके बुक में नहीं है उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आप अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका 29 तक है और आप काउंट नहीं करना चाहते, तो उसका भी हमारे पास ट्रिक है कैसे करेंगे। देखिए लास्ट नंबर देखिए वो क्या है, 15, तो 15 का हाफ करिए। अब श्योर है 15 का हाफ तो आप नहीं कर पाएंगे, तो एक नंबर आगे चले जाइए, कहाँ चले जाइए, एक नंबर एक्स्ट्रा आगे चले जाइए, आगे नंबर क्या है 18 का हाफ कर दीजिए, सॉरी 16 का हाफ कर दीजिए, 2 8 जा 16, यही आपका नंबर होगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या है 29। अब देखिए हम इसीलिए जानबूझ के ही यहाँ डैश डैश किए कि आपको काउंट हम नहीं कराएंगे। लास्ट में देखिए क्या है 29, तो इसे एक आगे चले जाइए, 30 का हाफ करिए, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, तो यानी आपका n क्या हो गया 15। अब 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 50 फार्मूला क्या है आपका n स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर मतलब 225, क्लियर। तो मतलब ऑड नंबर की दुनिया ये है कि अगर ऑड नंबर को ऐड करने के लिए बोला जाए, जहाँ तक मान लीजिए 100 तक ऐड करने के लिए बोला जाए, मान लीजिए हम थर्ड नंबर बना रहे हैं एक क्वेश्चन अलग से, ये डैश डैश, और हमने कहाँ तक पूछा आपसे 100 का, अगर आप इसे राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए 100 तक हमें बताना है, अब 135 में 100 तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा 99 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 99। हमने आपसे क्या बताया, एक स्टेप आगे चले जाइए और उसका डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का करिए, 5 का 25, और यहाँ देखिए 10, तो 10 का 00। और हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर ऑड नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, देखिए, और इवन है तो होगा, ये देखिए। और साथ में हम इवन की भी ऐड आपको बता देते हैं, अगर आपको इवन कोई पूछे कि 2 4 6 8 को आप 100 तक ऐड करके बताइए, तो आप क्या करिएगा 100 तक ऐड करने, अब इसमें हमें प्लस वन करने की ज़रूरत नहीं है, 100 का हाफ कर दीजिए, तो 100 का 50। अब आप बोलेंगे सर इसमें इसी का क्यों हाफ, क्योंकि इनका हाफ नहीं होता ना 99 का, तो एक स्टेप आगे ले जाइएगा। अब देखिए 100 का कितना हुआ 50, अब आप क्या करिएगा, इसका फार्मूला n n+1 ये कर लीजिएगा, ये n स्क्वायर ऑड का है, इवन का n n+1, तो आप क्या करिएगा, n की जगह में 50 है और 50+1 यानी 50 × 50+1 51, 51 5 जा 25, ये आपका आंसर आया 25 50, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ एड ऑड नंबर। यहाँ पे ये बोला गया कि 8 ऑड नंबर्स को ऐड करने में 64 होगा, वो तो होगा ही होगा, क्यों, ऐड 8 नंबर की बताइए, 8 नंबर हम लेते हैं, 8 नंबर अगर हम लिए ऑड नंबर, तो अभी हमने क्या फार्मूला आपको बताया 6 नंबर में कि n स्क्वायर कर दीजिए, उसका आंसर है, तो n स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर क्या होगा ये बताइए 64, ये है 64, तो आपको ये बताना है वो 8 ऑड नंबर कौन से हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग 1 से ही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई एट ऑड नंबर कौन होंगे, वही 1, 3, 5, 7, क्योंकि हम स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे, नहीं करेंगे तो ये फार्मूला रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, वी नो दैट 64 एज द सम ऑफ एट ऑड नंबर। क्लियर, तो 8 स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर, राइट। अब तो हम राइट कैसे करेंगे वो 8 ऑड नंबर, तो हम लिखेंगे नाउ वी कैन राइट ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। क्लियर, नाउ वी कैन राइट ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर, 8 ऑड अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्यों, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होगा, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 कितने हो गए, 3, 3, 6, 13 और ये 15। तो इसको आप चाहें तो प्लस का भी साइन सेंटर पे कर सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ, कोई डाउट, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। यहाँ पे ये बोला गया हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 2, और भी कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, यानी पास पास, जैसे 35, 36। तो ऐसे कौन से नंबर को हम ऐड कर दें कि 15 का स्क्वायर बन जाए। अब बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, क्या होता है, 225। अब कौन सा ऐसा कॉन्सिक्यूटिव है जिनको दोनों को ऐड कर दें तो 225 हो जाए। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। सो ये आपका 53 पेज पे है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, याद रखिएगा, लेकिन ये ऑड नंबर के लिए है, इवन नंबर के लिए नहीं है, मतलब आपका क्वेश्चन ऑड पे ही होना चाहिए। एज द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, देखिए एग्जांपल में 3 है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो कौन सा ऐसा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिनको हम ऐड कर दें 9 हो जाए। तो आपके सामने है 4, 5, लेकिन कैसे आया 4, 5, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर है आपका उस नंबर का स्क्वायर करके एक 1 माइनस कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, और एक बार उसी नंबर का स्क्वायर करके प्लस 1 कर लीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, और जो दोनों का आंसर आएगा वही आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 25 का कॉन्सिक्यूटिव कौन सा हम नंबर लें कि दोनों कॉन्सिक्यूटिव हों और ऐड करें 25, तो देखिए 12 और 13, 12 के बाद कॉन्सिक्यूटिव 13 आता है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर एक बार करके माइनस 1 करेंगे अपॉन 2, और फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 करके अपॉन 2 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए हम भी सॉल्व करें। सो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 15 स्क्वायर। अब फार्मूला क्या था याद करिए, एन स्क्वायर जो हम यहाँ पे गिवन है उसके स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक बार आप माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और एक बार आप प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 15 का स्क्वायर चाहिए, तो 15 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 15 का ही स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, यहाँ पे आप करिए 15 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, सिंपल। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 को 2 टाइम्स करेंगे 225 माइनस 1 अपॉन 2, 15 का स्क्वायर फिर से करिए 225 प्लस 1 अपॉन 2, सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो 224 होगा, और यहाँ पे देखिए तो 226 अपॉन 2, क्लियर। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, क्लियर, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6। देखिए कॉन्सिक्यूटिव मिला कि नहीं मिला, मिल गया 112 एंड 113। अब 112 और 113 को ऐड करिए और 113, तो 325 112 22 112, ये 15 स्क्वायर का होता है 225, तो आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या निकला, 112 113। चलिए नेक्स्ट है 23। सो फार्मूला n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, एंड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, प्लस करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस तो यहाँ पे हम चेक करा देंगे, एंड कर लीजिए। सेकंड है आपका एन स्क्वायर प्लस 1/2, एन स्क्वायर मतलब 23 स्क्वायर माइनस 2 एंड 20
3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, 23 इंटू 23 आपका हो जाएगा 529 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 529 प्लस 1 अपॉन 2। चलिए अब इसका इंटू करें, डिवाइड माइनस करें तो 528 अपॉन 2 एंड 530 अपॉन 2, 22 जा 4, 1 रिमाइंडर, 26 जा 12, 24 जा 8, 22 जा 4, अब 265 ही आएगा, 4, 1, 26 जा 12, 1 रिमाइंडर, 25 जा, तो आपका कौन सा नंबर हुआ, कॉन्सिक्यूटिव नंबर 264 कॉमा एंड 265, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में आपका है 37, 37 स्क्वायर, तो फिर से वही फार्मूला, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, सो 37 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड 37 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। चलिए इसका भी इंटू करें तो 37 इंटू 37 तो आपका आ गया 1369 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1369 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस 1 कर दीजिए तो 1368 अपॉन 2 एंड 13 ये 70 हो जाएगा, 69 प्लस 1 2, 2 से डिवाइड करिए, 26 जा 12, 1 रिमाइंडर, 28 जा 16, 24 जा, और 2 श्योर है 685 ही आएगा, 26 जा 12, 1 रिमाइंडर, 28 जा 16, 1 रिमाइंडर, 25 जा, तो आपका 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हुआ, 684 एंड 685, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।